आपको ललितपुर में दबंग बीजेपी नेता के बेटों के गुंडई की तस्वीरें दिखाएंगे। भारत समाचार के जरिए आप देखेंगे पीट पीट कर पत्रकार के हाथ पैर तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? नेता के खिलाफ खबरें चलाने पर हमला किया है। अपनी करतूत सुधारने के बजाय खबर चल गई नेताजी के खिलाफ, तो इन्होंने ये करतूत किया। ये बीजेपी के नेता के सुपुत्र हैं। पत्रकार विनय तिवारी पर गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों पर मुकदमा लिखा है। 1 आरोपी गिरफ्तार है और 4 भागे भागे फिर रहे हैं बीजेपी नेता के सुपुत्र। दबंगों के भय से आत्महत्या को पत्रकार विवश हुआ है। ने अपने बच्चों को फोन लगाया कि सीधा बंदूक लेके जाओ, उसका मर्डर करके आओ। जैसे वो दबंग तीनों बच्चे आ गए, डंडों लाठियों से बहुत ज्यादा मारा है। आखिरी में जब 15-20 मिनट लगातार मारने के बाद महिला ग्राम प्रधान, उनके पति और उनके 3 पुत्रों के द्वारा उनके साथ मारपीट करने और अन्य कुछ आरोप लगाए हैं। तत्काल FIR दर्ज करनी गई है। इसमें एक व्यक्ति जो महिला ग्राम प्रधान का पुत्र, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। संजीव नामदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव नामदेव, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई किया है? कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति ये कर रहे हैं या सच में कार्रवाई कर रहे हैं, चूंकि इसमें बीजेपी नेता के बेटे शामिल हैं? राहुल जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो दबंग बीजेपी नेता के पुत्रों ने और बीजेपी नेता दबंग के बजाय गुंडे कहिए तो बेहतर रहेगा। संजीव नामदेव बोलिए। गुंडों ने जिस तरह से पत्रकार के हाथ पैर तोड़ दिए, तो ललितपुर पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उनमें से एक को तो गिरफ्तार कर लिया, बाकी करीब 2 टीमें गठित कर दी और लगातार दबिश दी जा रही है और आरोपी शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे गुंडे। बहुत शुक्रिया संजीव नामदेव इस जानकारी के लिए और आगे बढ़ेंगे।